तो एमटेक की ओरिजिनल वाली जीटी किट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। दोस्तों इसके अलावा आप देखोगे तो रूफ के ऊपर कंप्लीट टेपिंग का काम जो है वो किया गया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी ग्लॉसी वाली ही रूफ रेल का इंस्टॉलेशन जो है वो किया गया है। यहाँ पे लगाई गई है अपनी 8 पीस वाली लोअर गार्निश। रियर का जो स्पॉइलर है वो रहने वाला है, जो कि अगेन ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ जो है वो इंस्टॉल किया गया है। जो सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। अब कीजिए सर, अगर आपको रेट करना हो सारे काम को, जैसे आपने कहा कमी नहीं लगी, तो फिर भी एक रेटिंग होती है 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? मैं 10 में से उनको 15 नंबर देना चाहूंगा। वेलकम बैक वंस अगेन डेकोरम कार एक्सचेंज सीरीज। रोहतक रोड वाली अपनी ब्रांच पे अभी 4 गाड़ियां जो है वो रहने वाली हैं। चारों पंच है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बेस वेरिएंट प्योर है, ये वाली गाड़ी भी बेस वेरिएंट है, ये वाली गाड़ी भी आप चेक कर सकते हो, ये भी बेस वेरिएंट ग्रे कलर में रहने वाली है। और ये जो गाड़ी खड़ी है ये है अपना एडवेंचर रिदम वाला वेरिएंट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं इस वेरिएंट में क्या कुछ चीज़ का जो इंस्टॉलेशन है वो किया जा रहा है। अब दोस्तों क्योंकि ये अपना एडवेंचर रिदम वाला वेरिएंट है तो बहुत सारे फीचर्स जो है वो बाय डिफॉल्ट कंपनी से इस वाले वेरिएंट में आते हैं, लाइक म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो आपको सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एडवेंचर रिदम वेरिएंट है, सिस्टम है, पावर विंडोज आती है यहाँ पे, कंट्रोल वगैरह, मतलब कि बहुत सारी एक्सेसरीज जो है जो कि इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, सब कुछ आपको मिल जाता है। बट फिर भी इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज लगाने की जरूरत पड़ती है, जो कि इस वाली कार के अंदर हम लोग लगाने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे सीट कवर लग के नहीं आते हैं, तो अपने जो सीट कवर है उनका जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पे आप चेक करोगे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कोई रैपिंग वगैरह नहीं होती है, तो इसके ऊपर स्टीयरिंग रैप जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बाहर से आते हैं तो यहाँ पे आप चेक करोगे रूफ रेल नहीं आती, रूफ रेल का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। क्रोम इंसर्ट जो है लोअर गार्निश वाला पार्ट ये लगाया जाएगा। पीछे की तरफ अपना स्पॉइलर जो है उसका इंस्टॉलेशन जो है वो रहने वाला है। और जीटी किट जो है वो लगाई जाएगी इस वाली कार के अंदर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एमटेक वाली जो ओरिजिनल जीटी किट आती है वो इस वाली कार के अंदर यहाँ पे रहने वाली है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो रियर वाला पार्ट जो है कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। आपको साइड दिखाता हूँ एक बार ही, तो साइड वाला पोर्शन आप यहाँ पे कंप्लीट चेक कर सकते हो। साइड वाले पोर्शन पे अभी जीटी किट का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है और अभी फ्रंट में जो है वो लग चुकी है। यहाँ पे कंप्लीट जो है इसका काम हो चुका है, जीटी किट लग चुकी है अपनी एमटेक की ओरिजिनल वाली। तो इस तरीके के काम जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाले हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि अपना जो है यहाँ पे लोअर गार्निश लगेगी, रूफ रेल लगेगी, स्पॉइलर लगेगा, तो ये सब काम जो है वो इस वाली कार के अंदर किया जाएगा। तो काम होता है फिर आप लोगों को चेक करवाते हैं। Hours later. तो दोस्तों अपनी पंच का सारा कुछ काम जो है कंप्लीट हो चुका है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ सीरीज का जो इंस्टॉलेशन है वो इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। सबसे पहले आप देखोगे तो एमटेक की ओरिजिनल वाली जीटी किट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। आपको प्रॉपर एमटेक की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। क्लोजअप व्यू में भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये जो गाड़ी अपने पास आई थी ये अपनी ऑर्कस व्हाइट कलर की गाड़ी थी, और ऑर्कस व्हाइट कलर की जीटी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो भी यहाँ पे किया गया है। जीटी किट लगाई गई, इसमें आपको फ्रंट वाला पोर्शन मिल जाता है, साइडें मिल जाती हैं, और रियर वाला पोर्शन जो है वो भी मिल जाता है। तो कंप्लीट किट जो है वो कॉस्ट करती है अपनी 11,500 रुपीज की, अगर आप एमटेक की ओरिजिनल वाली लगवाते हैं तो। तो किट जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा आप देखोगे तो अपनी ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया गया है, जिसमें हेडलाइट वाला पार्ट आप कंप्लीट यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये 10 पीस की किट आती है, जिसमें आप यहाँ पे चेक करोगे अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेक करोगे अपने हैंडल्स, रियर डोर हैंडल की प्लेसमेंट यहाँ पर है, और टेल लाइट वाला पार्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। 10 पीस की किट जो है वो लगाई गई है 2000 रुपये कॉस्टिंग के साथ में। दोस्तों इसके अलावा आप देखोगे तो रूफ के ऊपर कंप्लीट टेपिंग का काम जो है वो किया गया है। अपनी व्हाइट कलर की गाड़ी थी जिसके ऊपर रूफ टेपिंग जो है वो करी गई है, जिसमें आप साइड वाला पोर्शन यहाँ पे चेक कर सकते हो। कंप्लीट इसके ऊपर आपको टेपिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। कार का जो ए पिलर है उसके ऊपर अपनी टेपिंग जो है वो करी गई है। रूफ के ऊपर टेपिंग जो है वो रहने वाली है। एवरी डेंसिंग टेपिंग का इस्तेमाल जो है वो किया गया है, जो कि अपना 3000 रुपीज की कॉस्टिंग में रहता है। डोर वाइजर भैया ने बाय डिफॉल्ट अपने जो शोरूम से जो है वही परचेज किया हुआ था, तो ये डोर वाइजर में अपडेट हमारा नहीं है। इसके अलावा एक फॉगलाइट जो है भैया ने कंपनी से ही लगवाई हुई थी, आप चाहो तो यहाँ से भी लगवा सकते हो। अपने पास ऑप्शन मिल जाते हैं एलईडी और नॉन एलईडी दोनों ही, जो कि आप लोगों को पता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी ग्लॉसी वाली ही रूफ रेल का इंस्टॉलेशन जो है वो किया गया है। आप यहाँ पे चेक करोगे प्रॉपर जो है फिट फिनिश किस तरीके का है, पूरी गाड़ी हिल जाएगी बट ये अपनी रूफ रेल जो है वो नहीं निकलेगी। प्रॉपर गैलियो की रहने वाली 3M की प्राइमर के साथ जो है इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कॉस्टिंग की बात करें तो 1500 की कॉस्टिंग में जो है यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। यहाँ पे लगाई गई है अपनी 8 पीस वाली लोअर गार्निश। 1, 2, 3 चार पीस आपको इस साइड में मिल जाएगा, और 4 पीस का जो इंस्टॉलेशन है वो उस साइड में भी किया गया है। नीचे आओगे तो यहाँ पे मैंने आपको डोर एज गार्ड जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ग्लॉसी किट में चेक करवा दी है। साइड में क्लैडिंग वाला पार्ट किस तरीके का है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लैडिंग जो है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल करी गई है, जो कि अपना किट वाला पार्ट रहता है। किट कॉस्ट करती है अपनी 11,500 रुपीज की कॉस्ट के साथ में। रियर से अगर हम बात करें तो रियर में कार का कंप्लीट लुक जो है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या कुछ लगाया गया उसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे रियर का जो स्पॉइलर है वो रहने वाला है, जो कि अगेन ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ जो है वो इंस्टॉल किया गया है। कुछ तरीके से कंप्लीट जो है वो अपना रहने वाला है। इसके नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट आपको यहाँ पे लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करोगे लाइट जो है अपना ग्लो हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों ग्लॉसी किट का टेल लाइट वाला पार्ट यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो रियर में डिफ्यूजर जो है वो लगाया गया है। अपना किट का वाला पार्ट आता है, ये अपना जीटी किट में आता है, जो कि आप चेक करोगे व्हाइट कलर की पट्टी के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। सेंटर में एमटेक की बैजिंग है, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट, और यहाँ पे आपको जो है डुअल मफलर डिजाइन मिल जाता है।
दोस्तों बात करें अगर हम कार के इंटीरियर से, तो इंटीरियर में क्या कुछ रहने वाला है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीट कवर्स हैं वो इस वेरिएंट में नहीं आते हैं, तो सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, और ये रहेगा अपना डुअल टोन के फिनिश के साथ, जहाँ पे अपना ऑफ वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सेंटर में जो है परफोरेटेड फिनिश जो है वो आपको दी गई है, प्रॉपर इस तरीके का सेटअप जो है वो आपके सामने है। को ड्राइवर सीट जो है वो अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, रियर सीट में भी आपको प्रॉपर फिट फिनिश मिल जाएगा। इसी के साथ इसी कॉम्बिनेशन को मैच करते हुए आप यहाँ पे देखोगे तो अपने स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रैपिंग का काम जो है वो किया जा चुका है, जिसमें आपको ऑफ वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। और स्टिचिंग वगैरह किस तरीके की आ रही है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, प्रॉपर आपको देखने को ये मिल जाने वाला है, तो ये भी किया गया है, साथ में ये रहने वाला है। इसके अलावा वेलकम प्लेट जो है पंची प्रॉपर बैजिंग के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक आती है लाइट वाली और दूसरी आती है अपनी एसएस वाली, जो कि अपने स्टेनलेस स्टील में आती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जोन सी भी आप अपने हिसाब से लगवा सकते हो, तो क्योंकि अपना ये एडवेंचर रिदम वाला वेरिएंट है तो इसमें यही सब काम जो है वो हो सकता है। बाकी अगर आप चाहो तो एमिनेट लाइट लगवा सकते हो, एलईडी बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो करवा सकते हो, इस तरीके के काम जो छोटे मोटे एक आधी चीजें वो है जो कि आप लगवा सकते हो। बाकी इस वाली कार के अंदर यही सब काम रहने वाला। मिलते हैं कार के ओनर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। प्रदीप तनवर। प्रदीप जी कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं रोहिणी सेक्टर 24 से। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? मैंने वीडियो देखी थी डेकोरम की। हाँ जी। और काफी मैंने सर्च किया पहले वीडियो पे इंटरनेट पे, मुझे बेस्ट वीडियो इन्हीं का लगा। और फिर मैं यहाँ पे सर भैया से बात हुई। हाँ जी। और फिर मैं मैप के थ्रू यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है सर, तो अब ये बताइए कि जिन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट थी, पहली चीज आपका वेरिएंट जो है वो एडवेंचर रिदम वेरिएंट था, तो बहुत सी चीजें इसमें पहले से ही आती हैं, बट उसके अलावा भी आपकी जो जो रिक्वायरमेंट थी वो चीजें आपको सब यहाँ पे मिल गई हैं? सब कुछ मुझे यहाँ पे मेरा जो मैं सोच के आया था। हाँ जी। उससे मुझे एडवांस ही चीजें मिली है। ऐसा नहीं है कि भैया ने जानबूझ के मेरे को चीजें दी गई है। हाँ जी। बट मेरी गाड़ी की लुक एनहेंस करने के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट थी वो अच्छी लगी है, और आफ्टर दैट मेरी गाड़ी का लुक बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ से बहुत हैप्पी होकर जा रहा हूँ। तो जिस तरीके से गाड़ी आप सुबह लेकर आए थे, लुक वाइज अगर बात की जाए तो क्या लुक वैसा ही रहा या फिर बदलाव? नहीं, लुक बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत टॉप वेरिएंट गाड़ी खरीदी है। ठीक है। और काफी महंगा लग्जरियस फील आ रहा है अब गाड़ी के अंदर। तो काम के अंदर की बात की जाए कि काम के अंदर कुछ कमी आपने फील करी? काम के अंदर तो 1% मुझे कोई कमी नहीं लगी, फिनिशिंग से काम हुआ है और एकदम जो कंपनी भी काम नहीं दे पाती मुझे लग रहा है वैसा ही उससे अच्छा ही काम हुआ है यहाँ पे, उससे उस तरीके का काम जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। बिल्कुल। अब बात की जाए सर अगर आपको रेट करना हो सारे काम को, जैसे आपने कहा कमी नहीं लगी, तो फिर भी एक रेटिंग होती है, 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? मैं 10 में से उनको 15 नंबर देना चाहूंगा। 10 में से 15 नंबर? अच्छा जी, मतलब प्लस मार्क्स जो है वो प्लस मार्क्स है, ये 10 इनके और 5 मेरी तरफ से। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जैसे बचपन होता ना एक्स्ट्रा मार्क्स पर गुड हैंड राइटिंग उस तरीके से। तो अब ये बताइए सर पेमेंट वगैरह अपनी हो गई है? पेमेंट बस मैं भी करने जा रहा हूँ पेमेंट। तो कुछ बजट बना होगा अपना, क्या बजट रहा? मेरा जो बजट बना है अप्रोक्स 27 के आसपास बना है। 27,000 रुपीस। तो ये पेमेंट जो भी है अपनी वर्थ लगी आपको? मेरे को वर्थ से ज्यादा ही लगी अच्छी आपको, मुझे लगा कि हाँ भाई मेरे को मेरा बजट मैं सोच के आया था कि मेरा 30-40 के आसपास ये काम जाएगा, बट मेरे को इतना रिजनेबल रेट में इस प्रीमियम क्वालिटी का काम मेरे को मिला है जो 27 में मेरा हुआ है, कंप्लीट हो गया। और हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, नेक्स्ट कोई भी आना चाहे आप मेरा नंबर चाहे तो आप कस्टमर ले भी ले। हाँ। उससे पूछे, और मैं ये ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने की उससे फीडबैक दे रहा हूँ, बट ये मेरा दिल से और जेन्युइन फीडबैक है जो कि आपको पसंद आया। पसंद आया। चलिए सर, मतलब कंप्लीट आप सेटिस्फाइड है और जा रहे हैं। अब ये बताइए सर कल को रिकमेंड करना हो, जैसी बात आपने बताया रिकमेंडेशन वगैरह अपना रहने वाला है। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है, और आप यहाँ तक आए हैं वीडियो देख करके उसके लिए बहुत धन्यवाद। बस मैंने भैया से एक चीज बोली गिफ्ट के लिए, अब वो देखते हैं क्या गिफ्ट देते हैं। ठीक, सरप्राइज है वो मेरे लिए, तो उसको तो वीडियो में ऐड नहीं हो पाएगा, बाकी आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके ओके।